एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मिस्त्री ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, विमान में लगी आग पर पाया काबू, अब 21 में होगा बेटियों का विवाह। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पार्टी क्षेत्र में एक मिस्त्री ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक नितिन प्रभाकर मेश्राम बताए गए। घटना बुधवार को घटित हुई। पुलिस के अनुसार गोंडपुरा पार्डी निवासी नितिन मेश्राम ने रात करीब 11 बजे घर में सीलिंग पंखे को नायलॉन रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। वह माता पिता का इकलौता बेटा था। नितिन को शराब पीने की लत थी। आत्महत्या का कारण अज्ञात है। पार्डी पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर गुरुवार की दोपहर 1:21 पर एक विमान में आग लगने की सूचना पर एयरपोर्ट की सारी संबंधित शाखाएं सक्रिय हो गई और उस आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि विमानतल के भीतर प्लेन के रूप में एक बस रखी गई थी और इसमें कोई आग नहीं लगी थी। यह 2 साल में एक बार होने वाली पूर्ण क्षमता की इमरजेंसी मॉक एक्सरसाइज थी। SRPF ने एयरपोर्ट इमरजेंसी प्लान के मुताबिक प्रतिक्रिया की। अभ्यास में ATC इंडियन एयरफोर्स, AOC एयर इंडिया, CAISF, MEDC फायर सर्विसेज, सिटी फायर सर्विसेज, सिटी पुलिस आदि ने अपेक्षित प्रतिक्रिया दी। अगली खबर, लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए केंद्र सरकार संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में बिल पेश करेगी। इस संशोधन के बाद देश में लड़के और लड़कियों के विवाह की उम्र 21 वर्ष हो जाएगी। अभी 18 वर्ष की आयु में लड़कियों का और 21 वर्ष में लड़कों का विवाह का कानून है, लेकिन इससे बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई तरह की समस्याएं होती है। विवाह कानून में संशोधन का प्रभाव सभी धर्मों व वर्गों पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने भाषण में कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में सरकार ने बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने यह फैसला जया जेटली की अध्यक्षता में गठित 10 सदस्यीय टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर किया है। देश में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। बाल विवाह जैसी प्रथा पर रोक के लिए आजादी के बाद लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बदलाव किए गए थे। इसी के साथ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।